मो ना गुडुमुखी मो तीनटा भाई गाधे जाते तो गाधे गला बेले रास्त हैंडिकेप पाखे हस्पिटा पाखे कले झगड़ा कह रही तो होता हूँ पर्स गोटे पड़ी तो पर्स पड़ा से पर्स पाँच सौ पचास टाँह थी तो ये कूढ़े आनी तो आनला बेले तो से माने जानी पकड़े तो आसिकिना घरे कले तुम घर छुआ पर्स गोटे कूढ़े आनी दे आम को कहला पर्सटा घूरते जाते तो से आम घर पाखे घर को जाते घूरते तो घूरला बेले से कहे ना पाँच सौ पचास टाँह नाई नहीं तेरह सौ टाँह था तो ये कहे आम पाई पाँच सौ पचास टाँग तुम पैसा भी नि पर्स भी निने मानले कहे ना तेरह सौ टाँह था धेका मारामूरी है मारामूरी है घर को चली आसते कटरी भटरी एक मैंने जगार हाण नहीं चले आसते तो आसला आज्ञा पिंटू पिंटू मुखी आसला बुलामुखी आसला अर्जुन मुखी आसला दीपुमुखी आसला बुलेट मुखी आसला मिथुन मुखी आसला आ दीपुमुखी तार मामू मैंने सब आसते आबूमुखी आसला मुसलमान छुआ आसते समस्त आसते तो मुझे मैं भूल मागिल गुड़ धरी मुझे कह मोर भाई भूल हो तो मुझे भूल मागे आम पैसा घूर देवा कहीं कि पठेदे तो से मैंने शुणिले तापर मुझ दुकान जाइली दुकान जाइली तो पिंटू मुखी गले मद बिक्री हुए तो दुकान जाइली से पारेली बेले मत कमेंट मारे मारे पर मुझ दुकान बोलनी पलि आसली तो मोर बड़ भाई थी से म्युनिसिपालिटी कम करे ना से ड्यूटी पलैला तो आसला बेल मुझे कहली जे दुकान जाऊली एमती कहले देखकर से कहला कि ना कले रोना बुझा तो बुझा बुझा कहते कहते से शुणिले सब चलिए गैंग ने आसिकिना मुझे घरे मो चुटी गुछा बुलेट मो सी धरिकिना घर टाणी कर पाला से दीपू मत दुआ हाणी दुईटा हाथी आ जंगे सेंगारे मारी कथा कहते कहते बुझे नहीं जमार मारापिटा हेले पुलिस बाला को डाकी से जाइला पुलिस बालार सामन मत दीपू चुटी गुछा धरिक दुकान सामन मारा तापर किए छोड़े मुझे जाने नहीं आम मैंने पुलिस बाला गला आम हस्पिटाल आसते तीन जन आम घर पाँच जन को मैंने मारिकिना मुंडो हाथ गुड़ फटे देचन तो आम तीन जन आसिकिना एडमिशन मैंने एडमिशन भी होते ट्रीटमेंट भी हेल्ले मोर गोटे भाउज प्रेगनेंट अच्छी ताको गोटे घुंठा मारीचन तार पेट्रे आम हस्पिटाल एडमिशन करते आम हस्पिटाल थी मुझ माँ घर को कहली जाइना थाना एफआईआर देव तो मैंने देना तो मुझे कहली तेने आउ का जी पठाओ तो मो माँ घर का घर बाहरी पार ना सब तो छक सब जगी रही टांगी तोर बार ठेगा नहीं आसी पार ना तो मुझे फोन मारे आसने तार किसी घंटा पर पुणी थे घर लोक पुणी जाकर मोर बड़मा बड़ापा के मारीचन मारला घरे कहीं ना तो सेने किसी कहले पुणी से पलि आसते फोन आउ थे मुझे मारिकिना कहली थाना जी एफआईआर दे मोर माँ घर को मोर बड़ भाई छाड़ते आसला तो अस्त गछ पाखे सब का बसी मोर बड़ भाई को धरिकी तो हस्पिटाल एडमिशन दिले दौड़ी दौड़ी आसिकिना कहले चलो आम घर को मोर बड़ भाई पड़ी आम घर लोक आस पारा पुलिस वाला मैं अध घंटे पचारे मुझे लगे जमा शुणिले कहले पेसीआर गाड़ी आसू पेसीआर गाड़ी आसू गाड़ी छिड़ा कि गले मैडम कहले जी मुझे चली जी थाना को देखो किए कई ना एमती कहले गले चली बड़े मोर बड़ भाई नाई ने चली एफआईआर देले कि एफआईआर से धरिकी मरी सारा खबर पाइले तार पेसीआर गाड़ी पठाऊन जीवार लगे यही ना मोर आगुजा भाई को दौड़े आनते से जनकार कर नुची को आनते आम जीत गले चल मोर बड़ भाई को तो एमती कले मोर आग गोटे भाई बचे आनवा चल चल कहला कहला तार जीकर गले नहींकर आसते आम पुलिस बाला सीना मत पुलिस बाला मैंने घर खाई पैसा से पैसा देते ना से मैंने केस पक नमें केस पकड़ तो आम केसटा तो आगे धरबार था न धरिकी बसी रे गले तो पुलिस बाला मैंने तो पैसा ही खाई ना काशी आगे मद बिक्री हुए पुलिस बेनकार बल्क संगे हेड आज सका गोटे अटो ड्राइवर जो हैंडिकैप पेसेंट को लेकिन आसाला से अटो ड्राइवर पाक शेख मालू बोली गोटे पिला गला शेख मालू बदमाशिया पिला थे अटो ड्राइवर तक कहला तू कहीं आसु पाक आसु बोल तुम मना कला से शेख मालू दीपू आ शमशेर इमर ठेलापेला ठेलापेला भाई मालूर मनी पलसटा गड़ी पड़ा
କଡ଼ିପୁରା ଯେ ସେଥିରେ ସେ କହୁ ତା କହିବା ଅନୁସାରେ 1300 ଟଙ୍କା ସେ ଭିତରେ ଥିଲା ବୋଲିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ବିବେକମୁଖୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ତାକୁ ପାଇଥିଲା। ପାଇଗଲା ପରେ ଇଏ ତା'ପରେ ମନିପ୍ରଷ୍ଟକ ମାଲ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଛି ଆଉ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ବିବେକମୁଖୀ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି। ଇଏ ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ବିବେକ ଦୀପୁ ଶମଶେର ଆଉ ମାଲୁ ବିବେକମୁଖୀ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମନିପ୍ରଷ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମନିପ୍ରଷ୍ଟ ଆଣିବା ଭିତରେ ସେଠୁ ସିଏ ବିବେକମୁଖୀ ତାକୁ ମନିପ୍ରଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ 500 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଇଏ କହିଲେ ନାଇଁ ମନିପ୍ରଷ୍ଟ 1300 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କାହିଁ 500 ଟଙ୍କା ଫେରିଲୁ, ତାକୁ ନେଇ ପାଟକୁଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଏଇ ସମୟରେ ରାମମୁଖୀ ଦୀପୁର ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିକି ଫଟେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ପର୍ସ ପାଇଥିବା ଲୋକର ଭାଇ ଅଶୋକମୁଖୀ ଶମଶେରକୁ ବ୍ଲେଡ଼୍ରେ ମାରିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛେ। ତାପରେ ପରେ ଏମାନେ ଯାଇକି ଶେଖ ଶମଶେର ବୁଲେଟ୍ମୁଖୀ ମିଥୁନମୁଖୀ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା ନେଇକି ଯାଇକି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ ରାମମୁଖୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ସିଏ ସିରିୟସ୍ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଛି 5:30 ଆଉ 6 ପରେ ତାକୁ ଡେଥ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହୋଇଛି। ଏଇ କେସ୍ରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଭୟ କେସ୍ରେ 2 ଜଣ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଯେଉଁ ମୃତକ ଯୁବକ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଭଉଣୀର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସେମାନେ ଆସି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି ଆଉ ହାଣକାଟ ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ରେସ୍ପନ୍ସ କଲାନି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ପାଇଁକି ଥାନାରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ବି ହେଲା, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରକେ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ଯାଇଥିଲା, PCR ଜଣାଇଲା ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସେଠୁ ଡିସ୍ପର୍ସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଫର୍ଦର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପରେ ପୁଲିସ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଶହଶହ ଲୋକ ଆସିକି ଗୋଟେ ଝମେଲା କଲେ, ଟେକାପତ୍ର ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେବ କି? କିଛି ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ, କିଛି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ, ଉଲ୍ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି।